ज्ञानदेव होस्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बैल के आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बिहार पंचायत राज की एक बड़ी भर्ती के बारे में। नए वर्ष की शुरुआत में अभी कुछ दिनों का समय शेष है, परंतु आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बिहार पंचायत राज ने वर्ष 2019 की शुरुआत होते ही 10,000 से अधिक पदों पर भर्तियाँ कराने की घोषणा की है। यह नियुक्तियां पंचायत सचिव, अभियंता संवर्ग, अंगरक्षक आदि के पदों पर की जाएगी। यह भर्तियां संविदा तथा स्थायी पदों पर की जाएगी। बिहार पंचायत राज्य में इन पदों पर होने वाली भर्ती से संबंधित जानकारी आपको इस पेज पर विस्तार से मैं दे रहा हूं। सूबे में नए साल में होगी 10,000 की नियुक्तियां। नए साल में पंचायती राज विभाग में 10,000 से अधिक नियुक्तियां होंगी। इसकी कवायद कई महीनों से चल रही है। उम्मीद है कि नए साल यानी 2019 में इन सभी नियुक्तियों को प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इनमें संविदा आधारित और स्थायी दोनों तरह की नियुक्तियां शामिल है। सबसे पहले लेखपाल और तकनीकी सहायकों की नियुक्ति होनी है। इसके लिए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग भी हो चुकी है। उक्त दोनों पदों पर 2096 यानी 4192 नियुक्तियां संविदा पर होनी है। 1-2 महीने के अंदर नियुक्त कर लेने का लक्ष्य है। लेखपाल को 20,000 और तकनीकी सहायक को 27,000 रुपये सैलरी दी जाएगी, यानी कि मानदेय। दूसरी ओर विभाग में पहली बार अभियंता संवर्ग का गठन किया जा रहा है, जिसके तहत 1884 पदों के सृजन की प्रक्रिया चल रही है। विभाग प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग से सहमति प्राप्त कर चुका है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद 1884 पदों पर अभियंताओं की नियुक्ति की अस्थायी बहाली की जाएगी। इस प्रकार अंकेशकों की भी अस्थायी नियुक्ति का भी प्रस्ताव तैयार किया गया है। पंचायत राज विभाग ने पहले प्रस्ताव बनाया था कि 4 पंचायतों पर एक अंकेशक होंगे, राज्य स्तर पर भी अंकेशक रखे जाएंगे। हालांकि बाद में 12 पंचायतों पर एक अंकेशक को नियुक्ति का प्रस्ताव बना। यह भी नियुक्ति स्थायी होगी और जल्द इस पर कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। करीब 800 अंकेशकों की नियुक्ति होगी। राज्य और जिला स्तर की मॉनिटरिंग सेल के गठन को लेकर 460 कर्मियों की संविदा पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है, जिसके रोस्टर तैयार करने पर काम चल रहा है। 3,160 पंचायत सचिवों की नियुक्ति का प्रस्ताव 3,160 पंचायत सचिव की नियुक्ति का प्रस्ताव विभाग ने राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेजा है। इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया आयोग ने शुरू भी कर दी है। नियुक्तियां पंचायती राज व्यवस्थाओं को सशक्त करने और विभाग द्वारा क्रियान्वित हर घर नल का जल और गली नाली पक्कीकरण योजना की सफलता के लिए की जा रही है। हालांकि योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाना विभाग के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी विभाग उक्त दोनों योजना में लक्ष्य से काफी पीछे चल रहा है। तो दोस्तों, ये थी वो जानकारी जो मैं आपको देने वाला था। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी भर्ती आने वाली है, तो आप इसके लिए तैयार रहे। जैसे ही भर्ती आएगी, मैं आपको वीडियो के माध्यम से उसकी पूरी जानकारी बता दूंगा, यानी कि उसमें कितनी क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी, एज लिमिट क्या रखी जाएगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और सैलरी का तो आपको इसमें पता चल ही गया है। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा और साथ ही आपको उसमें आवेदन करने का तरीका भी एक बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली इससे जुड़ी हुई वीडियो मिल पाए।